हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। यह अपॉर्चुनिटी आई हुई है बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से। बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस लगातार हायरिंग कर रहा है रिटेल पार्टनर्स, या ये आप कह सकते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है, उसकी हायरिंग कर रहा है। ठीक है, इसके पहले मैंने दो वीडियो इससे रिलेटेड बनाए थे। एक तो जो था वो ऑल ओवर इंडिया के लिए था, जो दूसरा था वो हैदराबाद के लिए था। ठीक है, अभी इन्होंने रिसेंटली जो आउट किया है, ये देखिए 9 आवर्स हुए हैं अभी इसको आउट हुए। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है, स्पेशली मध्य प्रदेश के लिए है और ये रिमोट जॉब है। ठीक है, और फुल टाइम जॉब है ये। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या है, ये आपकी सैलरीड है, मतलब आपकी सैलरी बेस्ड जॉब है। जबकि जनरली जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो कमीशन बेस्ड जॉब प्रोवाइड करती हैं, बट ये जो बजाज आलियांस इधर भी जो हायरिंग कर रहा है वो सैलरी बेस्ड कर रहा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्रेज़ है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इसमें कि इंश्योरेंस का वर्क वो भी सैलरी बेस्ड और काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी, ये सैलरी रेंज है इनकी। और देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसमें 19,000 तो 60,000, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे दो तरह की पोस्ट है, ठीक है, एक तो हो गई आपकी जैसे कि लीडरशिप की हो गई और दूसरी जो हो गई आपकी मैनेजेरियल हो गई। ठीक है, तो जिनको सम एक्सपीरियंस है इस फील्ड में उनको वो मैनेजेरियल सजेस्ट कर सकते हैं, या आप खुद उसमें ऑप्ट कर सकते हो मैनेजेरियल पोस्ट के लिए। उसकी 60,000 तक आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं, आप नए हो इसमें, तो आपके लिए इसमें आपकी 19,000 तक सैलरी रहेगी। बस थोड़ा सा इसमें क्या रहेगा कि आप जैसे कि इसमें अप्लाई करते हो, ठीक है, बिकॉज मैंने इसमें जो और भी वीडियोस बनाया, जो मेरा फुल वीडियो पहले एक जिसमें ऑल ओवर इंडिया के लिए है, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स में आपको बताई हैं चीज़ें। तो मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे भी आपको कि यहाँ पे देखिए, अभी आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपसे कहा जाएगा कि आप पहले एग्ज़ाम पास करोगे IRDAI का, ठीक है, उसकी 585 रुपये फीस लेंगे, उसकी ट्रेनिंग आपको ये खुद देंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम होना है उसके बाद आप उसको पास आउट कर लोगे। पास आउट करने के बाद ये आपको कुछ टारगेट देंगे और आपका मतलब आपको टीम लीडर की पोस्ट पे आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा। आपका 4-5 लोगों का एक ग्रुप होगा और उनको कुछ टारगेट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो भी आप इनकी पॉलिसी सेल करते हो, ठीक है, उसके पैसे ही आपको देंगे, उसका कमीशन आपको देंगे, और उसके बाद ही आपको एज सैलरीड एज फुल एज परमानेंट, मतलब जैसे कि जो 19,000 सैलरी कह रहे हैं, उसके बाद ही आपको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको सपोज कि वो आपको एज अ ट्रायल पहले रखेंगे, ठीक है, कि आप बेच सकते हो नहीं बेच सकते हो। तो बहुत बड़ा तो इनका टारगेट नहीं था, 40,000 की पॉलिसी पर हेड आपको सेल करनी थी। तो 40,000 की पॉलिसी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप अपने घर में ही किसी को सेल कर सकते हो, ठीक है, अपने जान पहचान वालों में किसी को सेल कर सकते हो। तो 4 लोग का एक ग्रुप होगा, उसमें से 4ों को सेल करनी होगी, उसके बाद ही आपको परमानेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका एक जो डिटेल वीडियो है वो भी मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं दे दूंगी। उसमें क्या है कि मैंने पहले इसमें अप्लाई करके देखा था, इसमें तो इसमें फिर भी डिटेल चीज़ें दे रखी है। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें इन्होंने डिटेल चीज़ें नहीं दे रखी थी, सिर्फ अप्लाई के बारे में दे रखा था। तो अप्लाई करके मैंने देखा कि एक्चुअली क्या रिक्वायरमेंट क्या है। तो उन्होंने जो दूसरा फॉर्म दिया था, ठीक है, उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें सारी डिटेल में जो मैं आपको बता रही हूँ कि 40,000 का आपको टारगेट दिया जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट करेंगे, 585 रुपये फीस लगेगी IRDAI का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, वो मुझे रिवर्ट में आया था सेकेंड फॉर्म, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, तो आप वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो मध्य प्रदेश के लिए हायरिंग कर रहे हैं, इसमें इन्होंने काफ़ी डिटेल्स दे रखी है जो पहले वालों में नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में ये दे रखा है कि 19,000 से 60,000, तो 60,000 उनके लिए जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है और उनको सेल्स मैनेजर की पोस्ट कह सकते हैं या रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट कर सकते हैं, उस पोस्ट के लिए है, मैनेजरियल के लिए है, ठीक है। अगर आपको सिंपल इंश्योरेंस एडवाइज़र की है तो आपकी वो 19,000 रहेगी, ठीक है, ओके। जॉब रोल एसोसिएट बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, रिक्रूट एक्टिवेट डेवलप, ओके। और देख लेते हैं क्या क्या इसमें है डिटेल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, लीडिंग द मैनेजमेंट, बिल्डिंग अप अ टीम ऑफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट, डेली मॉनिटरिंग एंड फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग टीम थ्रू योर ICPOSP एंड डेली रिस्पॉन्डिंग ऑफ अचीवमेंट्स, डूइंग परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ योर ICPOSP, और फिर है डिलीवरिंग कंसिस्टेंट सेल्स आउटपुट
यूटिलाइजिंग योर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़। तो आपको क्या करना है कि जो जैसे कि टीम लीडर का वर्क मैंने आपको बताया, तो डेली आपको जो आपके अंडर में जो भी लोग हैं उनको फॉलो करना है कि क्या उनका स्टेटस है, ठीक है, क्या कहाँ तक पहुँची उनकी जो प्रोसेस है, कि कितने लोगों को उन्होंने कन्वेंस कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कि क्या उनको दिक्कतें आ रही। मतलब अगर आप टीम लीडर हो तो आपके अंडर में जो लोग वर्क करें उनकी क्या प्रोसेस है, उनको कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, अगर दिक्कतें आ रही हैं तो आप उसको सॉल्व करो, ठीक है, या उनको बताओ, ठीक है, वो सारा आपका टीम वर्क, टीम मैनेजर का वर्क रहेगा, ठीक है। तो एक तो टीम लीडर की पोस्ट है जिसमें 19,000 सैलरी है, और एक टीम मैनेजर, एक सेल्स मैनेजर की पोस्ट है जिसमें 60,000 तक सैलरी है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप सेल्स मैनेजर के लिए यहाँ पे अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पे, ठीक है। और सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको टारगेट भी कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ज़रा सा भी एक्सपीरियंस है तो आपके लिए इतनी बेहतरीन ये वैकेंसी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन मैं बता ही चुकी हूँ आपको। फिक्स सैलरी है, प्रोविडेंट फंड है, मेडिकल बेनिफिट है, अनलिमिटेड इंसेंटिव्स है, सोचिए अनलिमिटेड इंसेंटिव्स, ठीक है, फॉरेन टूर है, ठीक है। तो इतनी बेहतरीन वैकेंसी बताइए कहाँ मिलेगी। और तो इसका जो अप्लाई लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और इसका जो पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, उसका भी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरे चैनल पसंद है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।